गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी समय हो रहा है 8:30 और हम निकल चुके अपने घर को छोड़ के शिमला की ओर। तो अभी जो वीडियोस आने वाले ये पूरा हिमाचल के वीडियोस रहेंगे। और यहाँ पे मेरा भाई जा रहा है जॉब पे, मुझे ऑटो स्टैंड पे ड्रॉप करेगा फिर ये चले जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगा बस स्टॉप यहाँ का, लुधियाना का बस स्टॉप, वहाँ से सीधा शिमला के लिए बस मिल जाएगी। जी तो मैं पहुंच चुका हूँ बस स्टॉप यहाँ का, और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, बहुत सारे बसें लगे हुए हैं यहाँ पे। और चलते पूछते शिमला के लिए कौन सी बस जाएगी। मैं तो यार सोच रहा हूँ गवर्नमेंट का जो बस रहता है HRTC हिमाचल का, वो मिल गया तो ठीक है, लेकिन अभी पता करते कहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस किया, यहाँ पे गवर्नमेंट बसें नहीं चलती, जो भी चलते प्राइवेट बसेस ही चलते हैं, पता नहीं क्या सीन है। अगर तुमको पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो पूछते ही कुछ। शिमला के लिए बस कहाँ से? फिर ये कुछ बस है यहाँ का। कोई बैठा नहीं यार बस में, अकेले में दिख रहा हूँ। और 2 मिनट में बस चालू होगा, अभी कोई बात नहीं बैठते। और अभी मेरा पेपर है 10 बजे से, तो पेपर दे लूँ मैं 10 से 11 बजे तक मेरा पेपर चलेगा ऑनलाइन, फिर मिलता हूँ मैं आपको। पहुंच गए हैं चंडीगढ़ बस स्टैंड, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है चंडीगढ़, और बहुत साफ भी है। जैसे ही हम चंडीगढ़ में एंट्री किए वैसे ही बस वाले ने बोल दिया हमें मास्क लगा लो, क्योंकि यहाँ पे मास्क से चेकिंग है। लुधियाना में था तो लुधियाना में कोई मास्क नहीं लगा रहा था, ना ही मास्क की चेकिंग थी। और यार काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है, दिख रहा है, और साफ सफाई भी ज़्यादा है। तो चलते हैं अभी हम शिमला के लिए बस, देखते हैं कहाँ से मिलेगी। पहले तो हमें उसने बोला कि सीधा शिमला जाएगी, बाद में जब मैं बैठ गया टिकट कटा लिया तो बोलता है ओनली चंडीगढ़ तक ही जाएगी, और उसने मेरे से टिकट का प्राइस लिया 135 रुपये। अब यहाँ से हमें शिमला के लिए जल्दी से बस देखना पड़ेगा कहाँ मिल रही है। और अभी समय हो रहा है 1:20, तो यहाँ से शिमला जो है 115 से 116 किलोमीटर है, कुछ 3 से 4 घंटे मेरे ख्याल से जाएंगे शिमला पहुँचने में यहाँ से।
और यहाँ से शिमला के लिए HRTC की बस चलती है जो कि गवर्नमेंट बस है, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे किराया ज़्यादा होगा, 100 रुपये के आसपास हो जाएगा मेरा काम। और वहाँ से यार लुधियाना में और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा ही किराया था, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट बस चलती नहीं, प्राइवेट बसेस चलती है। पता करते हैं अब कहाँ कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म से बस मिल जाएगी हमें शिमला के लिए। तो यहाँ पे शिमला का बस खड़ा हुआ है, हिमाचल का बस खड़ा हुआ है, इसे पता करते हैं शिमला के लिए कहाँ मिलेगी शिमला की। जी शिमला के लिए बस कहाँ से मिलेगी? यार ये तो कुछ बताया ही नहीं। जी शिमला के लिए बस कहाँ से मिली? शिमला ये खड़ी है, ले लो टिकट। कितना है इसका? गवर्नमेंट की जाती है वो HRTC वाली, गवर्नमेंट की है, प्राइवेट बस नहीं तो। कितना है इसका? 300। और HRTC वो वाला कितना है? सादा वाला, सादा वाला 60 रुपये का। कहाँ मिलेगी? नहीं आई किस पे? तो ये भी बस है जो जाएगी शिमला, लेकिन कॉस्टली है ये, AC वाली बस है मेरे ख्याल से, इसका 300 प्राइस है। और जो HRTC वाली ये बताई कि 50 रुपये। हम वेट करते बोल रहे इधर पे ही आएगी। हाँ जी, तो हमारी बस आ गई यहाँ पे और चलते हैं टिकट लेते हैं इसका। काफ़ी महंगा है यहाँ पे बस का टिकट। सर जी टिकट दे देना शिमला का। 250। यार 250 का पड़ा ये टिकट, मुझे लगा था कि 100 के आसपास हो जाए, क्योंकि 115 या 116 किलोमीटर है, लेकिन यार प्राइस ज़्यादा है। ले ले सर, बैठ रहे भाई उधर, उधर चल जाओ। मैं मेरा भाई ने हमें विंडो सीट दे दिया इधर, तो ये हमें यहाँ पे सीट मिली विंडो। और यार टिकट की बात करो तो बहुत ज़्यादा महंगा है टिकट है यहाँ पे, क्योंकि मैं तमिलनाडु में गया था, वहाँ पे 1 किलोमीटर का 1 रुपये के आसपास लेते। मुंबई में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ से हिमाचल के लिए जाने में और पंजाब में बहुत ही महंगा टिकट है। देखो चंडीगढ़ से शिमला 122 किलोमीटर है और टिकट का प्राइस है 249। 150 तक भी रहता तो यार ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही महंगा। कोई बात नहीं, अभी तो ले लिया है, अब चलते ही जाना है कैसे भी, तो चलते हैं, पहुंचते हैं सीधा देवभूमि हिमाचल प्रदेश शिमला में। तो अभी हम किधर रुके हैं, बस स्टैंड पे नाश्ते के लिए रुके थे और टेम्परेचर है 16 डिग्री। भाई क्या लिया तुमने? और भाई ने कुछ लिया है, क्या ये पैटिस? आ रहे उधर है। और बस हमारी अब चालू होने जा रही है। वहाँ बहुत डेंजर है यहाँ पे। सा भाई पी गए वो कहीं पर रखा? टेस्ट किया ही नहीं भाई। टेस्ट किया भाई के नहीं?
टेस्ट नहीं लगी है। ठीक है, आलू है ना इसके अंदर? हाँ ठीक है, सादे टाइप का है, अच्छा है। फाइनली हम पहुंच गए ओल्ड बस स्टैंड शिमला, और कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पर, रूम नहीं चाहिए। सो यहाँ पे जैसे ही आप बस स्टैंड पे पहुँचोगे और बस से उतरोगे, यहाँ पे लोग फटाफट आपको रूम के लिए पूछना चालू करें। तो चलते फिर आगे और देखते हैं अपना ठिकाना कहाँ रहे। हमने यहाँ पे ले लिया है अब धर्मशाला, हम यहाँ पे देखे थे गुरुद्वारा में, तो गुरुद्वारा में गए तो गुरुद्वारा पूरी तरह से फुल था, रूम अवेलेबल्स नहीं थे। फिर हमने सोचा कि धर्मशाला ट्राई करते, तो मुझे लगा था यार पहले कि यहाँ पे 300-200 ऐसा मतलब प्राइस रहेगा धर्मशाला का, लेकिन यार यहाँ पे आया और पता किया तो यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये एक जन के, वो भी एक बेड के 50 रुपये, और कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं थे तो हमें डॉर्मेट्री दिया है, और ऐसा है कुछ एक बंदे को एक बेड मिलता है यहाँ पे, तो मैंने ये बेड लिया है, और जो मेरा दोस्त मेरे साथ में उसको ये वाला बेड दिया है। और यहाँ पे चार्जिंग प्लग्स भी अवेलेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। और इन्फॉर्मेशन दे दूँ धर्मशाला के बारे में, तो ये धर्मशाला का नाम है श्री राम मंदिर सुध धर्मशाला। यहाँ पे सबसे पहले आपसे यहाँ पे 50 रुपये लेंगे और 50 रुपये एडवांस लेंगे। जब आप यहाँ से चेकआउट करेंगे तो फिर आपको 50 रुपये रिटर्न कर दिए जाएंगे, वैसे 50 रुपये जो है वो काटेंगे उन लोग। और बता दूँ यहाँ पे कि टाइमिंग बता देता हूँ, टाइमिंग का यहाँ पे ये सीन है कि 10 बजे रात को यहाँ पे धर्मशाला क्लोज हो जाता है और सुबह 5 बजे जाके खुलता है। उसके पहले बीच में खुलेगा नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते। 10 बजे के बाद आप अंदर आ रहे हो रात में तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, ये रूल है यहाँ का। काफ़ी अच्छा है यार, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतना सस्ता मिल जाएगा। और देखो सामने यहाँ पे व्यू दिखाता हूँ मैं, और सामने यहाँ पे ये है शिमला का बस स्टैंड है, वहाँ पे सामने आज है। अभी वो रूम में 2 लोग हैं और पूरी तरह से खाली है फिलहाल, तो मेरा दोस्त गया वॉशरूम। तो अभी हम चलेंगे नीचे घूमने के लिए मार्केट को, जो मॉल रोड है उसको एक्सप्लोर करने। टोपी चलो भाई, और ऐसा कुछ बिल्डिंग है और सीढ़ी है यहाँ की। अरे वो लेके आना पड़ेगा ना जो पेपर दिया था उन्होंने, है ना? तो यार मैं पेपर भूल गया जो उन्होंने दिया था प्रिंट करके, अगर क्या पता बाहर गया बाद में अंदर ना ले पेपर नहीं है तो ले लेता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मुझे लग रहा है हम लोग को यहाँ पे आने में लेट हो गया है। 8:44 हो रहा है और बहुत सारे दुकानें यहाँ पे बंद हो गए, थोड़े बहुत पीछे भीड़ थे, बाकी यहाँ पे तो आगे पूरा खाली ही दिख रहा है। और ये कुछ ऐसा है, खाना वीना मिल रहा है थोड़ा बहुत। और यार यहाँ पे सिर्फ कपड़े की दुकान ज़्यादा है, ठंडी के कपड़े के, कहीं भी देख लो सिर्फ ठंडी के कपड़े बिक रहे, और होटल्स भी अच्छे अच्छे हैं। कितनी 60 रुपये कितनी आ जाएगी? 200 ग्राम। हाँ 200 ग्राम कितना चढ़ जाएगा उसमें? अच्छा चढ़ कितना जाएगा मतलब, एक बार बताना कितना होता है। फिक्र भी इससे थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, इससे थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, दे दो फिर 60 रुपये की। ये भी वही है क्या? चने की दाल की है। और ये बता,
अभी ये मैंने चिक्की लिया यहाँ पे ठंड में, खाएंगे थोड़ा टाइम पास के लिए, मतलब इधर रहूँगा सफ़र में तो फिर ले लूँगा ऐसे, खा लूँगा थोड़ा बहुत। मुझे बहुत पसंद है चिक्की वैसे तो। और यार मार्केट बंद हो चुका है, अब क्या करें, यहाँ पे कुछ है भी नहीं देखने लायक। अब चलते सीधा अपने धर्मशाला में और मिलते हैं आपको सुबह।